बताती होती थी कि ये छोटी बहन कहाँ से आ गई मेरी, छोटे होते थप्पड़ मार के मम्मा मुझे पढ़ाती थी, अभी भी मैं गंद मार दूंगी। सेम, आई डोंट नो मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर क्यों कर रही हूँ, हालांकि मुझे लग रहा है कि आप लोग भी मुझे इस चीज़ पर तंग करेंगे। मैं रो रही होंगी, ऐसे रो रही होंगी। मित्रा के सामने आती थी तो ये लगती थी जैसे पता नहीं मरियल सी की बच्ची है, किन की है, मुझे लगा हाँ मेरी तारीफ हो रही है। सर बड़ा होता था और मैं घर आके रोती होती थी, इतना सर निकल आता, नीचे मुंह छोटा सा होता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी हिरा फैसल एंड वेलकम टू माय YouTube चैनल। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, तो बहुत ही स्पेशल है आपके लिए भी स्पेशल होगी, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया है। मतलब बहनों को, फैमिली को तो पता है, लेकिन मैंने कभी ऐसे पब्लिकली शो नहीं किए हैं, और वो है मेरी बचपन की पिक्चर्स। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप मेरी आवाज़ से आइडिया लगा सकते हैं, नर्वस भी हूँ एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि मेरी कुछ ऐसे पिक्चर्स हैं जो देख के मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं मैं ये थी। बट सबसे पहले एक पिक्चर आपको दिखाती हूँ, और वो देखने के बाद आपने मुझे ना तो अनफॉलो करना है, ना इस वीडियो को स्किप करना है, और ना मुझे जज करना है, ठीक है। सबसे पहले पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, विच इज दिस। सो ये तरबूज वाली शक्ल का जो बच्चा है ना, ये कोई और नहीं हिरा फैसल है। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं बड़ी होकर इस तरह की बनूंगी जो कि बचपन में ये थी, ठीक है। और मुझे नहीं पता मेरा सर यहाँ पे तरबूज जैसा क्यों लग रहा है। खैर, आपने देख ही लिया कि मैं बचपन में कैसी थी। अच्छा, सब मुझे कहते थे बचपन में हिरा तुम प्यारी नहीं थी, हिरा तुम प्यारी नहीं थी, हिरा तुम प्यारी नहीं थी, लेकिन जब मैंने अपने पिक्चर्स देखी ना, तो मुझे ना लगा कि यार कितनी क्यूट बच्ची है ये, मेरी मेरे पास होती ना तो मैं इसको इतना प्यार करती। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ, छोटे होते मेरी सबसे ज़्यादा लड़ाई ना आप ही से होती थी, मेरी फातिमा से इतनी लड़ाई नहीं होती थी, मेरी जो सबसे ज़्यादा लड़ाई होती थी ना वो आप ही से होती थी। और पता नहीं क्यों मुझे वो मारती होती थी कि ये छोटी बहन कहाँ से आ गई मेरी, ये छोटी बहन कहाँ से आ गई। तो अभी मैं अपने अम्मा अब्बा अपनी बहनों के रिव्यूज़ लूँगी कि मैं बचपन में कैसी थी, क्योंकि मुझे तो सबका पता है कि भाई कौन कैसा था, कौन कितनी शरारतें करता था। लेकिन मैं आपको बताऊँगी, बट एक चीज़ बता दूँ, मैं कुछ भी हो सकती हूँ, मुझे बचपन में जितनी नफरत पढ़ाई से थी ना, आई कांट एक्सप्लेन। मैं मेरी पोजीशन आती थी 25th, आप ही की आती थी फर्स्ट, और मैं रोती थी कि मेरी पोजीशन क्यों नहीं आती फर्स्ट। अगर पढ़ती तो आती ना, पढ़ती ही नहीं थी। मुझे ना अब याद आता है कि छोटे होते थप्पड़ मार के मम्मा मुझे पढ़ाती थी, अभी भी मैं अगर मामा से रिव्यू लूंगी ना इस चीज़ का, तो उन्होंने कहना है हिरा बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, आई एम दी ओनली वन जिसको बचपन में मैंने बहुत थप्पड़ खाए अम्मा से, मुझे खेलने नहीं जाने देती थी पहले पढ़ो। मुझे एक एग्ज़ाम में 4 छुट्टियाँ थी, सोशल स्टडी का पेपर था और मैं उसमें फेल थी, और उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था कंडीशनली प्रमोटेड F, और मैंने उस F को A बना दिया, और मेरी आप ही मुझे कहती है अच्छा A तो बना दिया लेकिन ये जो कंडीशनली प्रमोटेड लिखा है इसका क्या करोगी। बट खैर, बचपन गुजर गया, अब जैसे ही बड़ी हुई मुझे ज़्यादा बुक से प्यार हो गया, आई डोंट नो वाई, बट मुझे पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो गया। लेकिन बचपन में मैं बहुत बुरी थी पढ़ाई में। आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ, विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट पिक्चर फ्रॉम द बचपन, दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट पिक्चर। सो ये वाली पिक्चर शायद मेरे दादा बू ने क्लिक की है, मैं बैठी हुई थी इस तरह से, और मैं अब सोच रही हूँ कि यार मुझे करंट नहीं लगा इधर, लेकिन फिर भी मैं बच गई। खैर, मुझे लग रहा है आप लोग पॉपकॉर्न के साथ मेरा बचपन इंजॉय कर रहे होंगे, बट मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही है अपना बचपन किसी के साथ शेयर करते हुए। मैं अपनी पिक्चर्स किसी को नहीं दिखाती, मैं छुपा लेती थी, मैं कहती नहीं यार मैं बचपन में नहीं प्यारी, नहीं प्यारी, अभी भी खैर जो भी है अल्लाह का शुक्र है। बट मुझे ऐसा होता था कि मैं बचपन में, मुझे सब कहते थे दमूसी। अच्छा, एक मज़े की बात, मेरे ना काफ़ी ज़्यादा निकनेम्स रखे हुए हैं, रखे हुए थे, अब नहीं है शुक्र है, अभी सिर्फ एक ही नाम चल रहा है करंटली, वो है हिरू। अच्छा, बचपन में ना मेरे काफ़ी ज़्यादा नाम थे। सबसे पहला नाम मेरा था जो कि मुझे आपी फातिमा सब चिढ़ाते थे, वो था हिरांजे। मतलब इट्स कॉल्ड हीर रांझे, लेकिन मुझे वो कहते थे हिरांजे, हिरांजे इधर आ हिरांजे, और मैं चिढ़ती थी मुझे हिरांजे ना बोलो। एंड सेकंड जो मेरा नाम था वो था बुश। अमेरिका का आई थिंक प्रेसिडेंट था वो, और तो मुझे वो लोग सब कहती थी बुश बंदर, मैं कहती थी नहीं मेरा नाम बुश बंदर नहीं है, मुझे कहती थी नहीं हिरा बुश बंदर इधर आओ, हिरा बुश बंदर इधर आओ, तो वो अभी तक मुझे कहती हैं हिरांजे बुश बंदर, हिरांजे बुश बंदर, और आई डोंट नो मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर क्यों कर रही हूँ, हालांकि मुझे लग रहा है कि आप लोग भी मुझे इस चीज़ पर तंग करेंगे। खैर, चलता है सब। एंड थर्ड मेरा जो नेम था ना, पंजाबी में ना कहते हैं चम्मच को चमचे, तो मेरा नाम था हिरांजे चमचे।
मुझे मेरी खाला, स्पेशली मेरी खाला कहती थी हिरांजे चमचे इधर आ, हिरांजे चमचे। तो मुझे होता था यार ये मुझे चम्मच क्यों कहती है। तो अभी तक मेरी आपी मुझे कहती है चम्मच, हीरा चम्मच। पता नहीं इनके दिमाग में ये नाम कहाँ से आते हैं और किस चीज़ को लेके इन्होंने मेरे ये नाम रखे हैं, लेकिन इन्होंने कहा हिरांजे चम्मच, हिरांजे चम्मच। और ये हिरांजे में मैं हीर हूँ, ठीक है, रांझा कहाँ से आ गया बीच में। ये आइडिया तो मुझे ना बड़े होके हुआ है। तो खैर अब तो सिर्फ मुझे हीरू के नाम से जाना जाता है। और आई मस्त से कि मुझे वो बस हीरू ही कहे, मुझे कोई और नाम से ना बुलाए। आपको मैं एक दो और पिक्चर्स भी दिखा दूँ अपने बचपन की, फिर आपको आइडिया होगा कि व्हाट आई वाज। ओके सो आप हंस रहे होंगे कि इसने हाथ में पांडा क्यों पकड़ा है। भाई ये स्पेशल वीडियो मेरे बचपन पे है, तो मुझे भाई थोड़ी अपने साथ के कार्टून भी रखना था, बिकॉज आई एम फी। और मैं आपको अब कुछ ऐसी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी जो कि आज से 7-8 साल पहले की हैं, और आप लोगों को अभी मेरे बाल लंबे लगते हैं, बट कुछ टाइम पहले मैं फ़ैन थी अपने छोटे बालों की, और मुझे छोटे बाल इतने पसंद थे कि पता नहीं क्यों मैंने एकदम से ही लंबे रख लिए और वो मुझे अच्छे लगना शुरू हो गए। मेरे बाल इतने थे, पिक्चर दिखा रही हूँ, आप आइडिया लगा सकते हैं कि मेरे बाल कितने होते थे, और मैं उनमें बहुत खुश होती थी। तो ये कुछ मेरे पिक्चर्स हैं जिसमें मेरे छोटे बाल थे। ये कोई आज से 7-8 साल पहले के पिक्चर्स है, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, और बहुत अच्छा टाइम गुजारा है मैंने। और ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं देख के अपने आप को पहचानने से इनकार कर देती हूँ, लेकिन ठीक है, टाइम के साथ साथ हर चीज़ चलती है। ओके सो मेरी सारी बचपन की पिक्चर्स देखने के बाद मैं आपके साथ एक फ़नी मोमेंट शेयर करना चाहती हूँ जो कि डिस्क्राइब करता है व्हाट आई एम राइट नाउ और व्हाट आई वाज। और वो ये कि जब फातिमा पैदा होने वाली थी तो मैं 2 साल की थी, तो मामा हॉस्पिटल में एडमिट थी और मुझे मेरे मामू के पास छोड़ गई, और उन्होंने बोला कि इसको ना पढ़ाना है, समर वेकेशन की छुट्टियाँ थी। मेरे मामू मुझे बैठ के पढ़ा रहे हैं और वो मुझे कह रहे हैं, इंग्लिश में आता था माई नेम सारा, मैं पढ़ रही हूँ माई नेम इज सारा। वो कहे हीरा तुम्हारा नाम सारा थोड़ी है। मैं कहूँ माई नेम इज हीरा। वो कहे हीरा ध्यान से देखो ये सारा लिखा हुआ है। मैंने फिर कहा माई नेम इज सारा। फिर कहे हीरा तुम्हारा नाम हीरा के सारा है। मैं कहूँ माई नेम इज हीरा। जब उन्होंने ये बात एक दो दफ़ा बोली ना, और मैं इतनी हूँ कि एक दफ़ा कंट्रोल करूँगी, दूसरी दफ़ा कंट्रोल, और मैंने उन्हें कहा मैं गंद मार दूंगी। सेम अभी भी स्टिल मैं इतनी बड़ी होगी, वो जब भी हमारे घर आते हैं कहते हैं हीरा गंद मार दोगी। और मैं कहती हूँ मामू छोड़े वो पुरानी बातें हैं, मैं अब ऐसी नहीं हूँ, लेकिन बिलीव मी मैं अभी भी ऐसी हूँ। अगर कोई मुझे तंग करे बार 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 तो मैं ऐसी हूँ कि मैं गंद मार दूंगी, मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। और फिर मेरी खाला आती थी, मामू को कहती थी चल 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 इसको छेड़ इसको छेड़। और मामू माई नेम इज हीरा, माई नेम इज सारा, माई नेम इज सारा, माई नेम इज हीरा, मैं गंद मार दूंगी। सब हंसते थे और मुझे गुस्सा आता था कि यार मैं मतलब मैं जोक हूँ आप लोगों के लिए, आप मुझे हंसाए, आप मुझे रुला रहे हो। मैं इतना रोती थी, मैं कहती थी मैं गंद मार दूंगी, मैं ऐसे लिटरली गंद मार देती थी अपने होमवर्क पे ना। अगर आप इस कहानी को सुनकर बोर हो गए तो कोई बात नहीं, मुझे तो सुनाते हुए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है और मुझे एम्बैरेसमेंट भी हो रही है कि मैं बचपन में क्या थी। और अभी इस तरह की कहानियाँ भी मैं अम्मा से पूछती हूँ अपने के क्या ही वो बताएंगे आपको भी बचपन के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा शाय शर्मीली, बहुत ज़्यादा शरारती, तो बिल्कुल शरारत तो मेरे पास से भी छू के नहीं गुजरी थी, चोरियाँ ज़रूर की मैंने, शरारत मेरे पास से नहीं गुजरी थी, लेकिन मैं बहुत शाय थी, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी। एक चीज़ जो मुझ में इम्प्रूवमेंट हुई है ओवर द ईयर, और जिसमें मैं अपने अम्मा अब्बा को कहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में, वो है कॉन्फिडेंस। मुझ में कॉन्फिडेंस बहुत टाइम पहले बिल्कुल नहीं था, अब मुझ में कॉन्फिडेंस ऐसा है कि भाई लाओ कौन सा पहाड़ तोड़ना है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हैरान नहीं कर सकती है। बट अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ का, बहुत ज़्यादा ज्ञान मैंने बांट दिया आपके साथ। लेकिन अब हम चलते हैं अपने फैमिली के रिव्यू लेने, उनसे पूछती हूँ व्हाट आई वाज इन चाइल्डहुड। ओके गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ अपनी अम्मा के साथ, और मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि मैं बचपन में कैसी थी, तो मुझे ज़रा थोड़े क्वेश्चंस के आंसर्स दें कि मैं बचपन में कैसी थी। मामा क्या मतलब, मैं ये अपनी वीडियो बचपन की बना रही हूँ, बचपन अपने लोगों को बता रही हूँ कि मैं बचपन में कैसी बच्ची थी, बच्ची थी बच्चा शरारती थी या मेरी कोई ऐसी बात जो आपको याद हो। मैं वो बात बताती हूँ जो मुझे सबसे इसकी बुरी लगती है। क्या बात बुरी लगती है आपको? कि जब मैं कहती थी होमवर्क करो तो कहती थी नहीं करना, मैं पूरे पेज पे गंद मार दूंगी। सेम यही चीज़ मैं अभी आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आई वॉज लाइक दिस कि मैं गंद मार दूंगी।
और मेरी अम्मा को पढ़ने का कोई शौक नहीं थी, सबसे गंदी आदत इसकी थप्पड़ पड़ते थे मुझे। मम्मा याद है एक दफा मेरे ना यहाँ पे चोट लगी थी, अभी तक निशान है उस चीज का, मुझे यहाँ पे पट्टी लगी हुई है, मैं पढ़ नहीं रही हूँ और मम्मा ने मुझे थड़ा थप्पड़ मारा और मेरे ना यहाँ से खून, याद है वो टाइम। और फिर मम्मा को हुआ हाय अल्लाह मैंने इसको मार दिया, बड़ा मार कर रहा है। फिर मम्मा ने मुझे, मैंने बहुत मार खाई है याद है, मैं मुझे उर्दू में आती नहीं थी, अलिफ अलिफ कह रही हूँ, वन टू एक वन टू इजी था, ए बी सी इजी थी, अलिफ बे नहीं आती थी, जीम सिखाना इतना मुश्किल था कि जीम का वो सिरा बनाना नहीं आता। वाकई इतनी नालायक थी मम्मा, ये तो सब सारे बच्चों की बड़ी मुश्किल से मैंने जीम के ये जो सिरे सिखाए थे ऐसे करते हैं के सिरे सिर्फ ये पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चों ने, और भी ऐसी बात जो मुझे ना पता हो मेरे बचपन की, तुझे अब सारी पता है। मुझे इतना याद है मुझे मम्मा ने गोद में इधर उठाया होता था और लेके चल रही होती थी। एक बात मुझे तुम्हें शायद ना पता, एक दफा मैं इसे छोड़ के बाजार चली गई, वहां जाके मैं भूल गई कि मैं अपना ना 6 माह का बच्चा छोड़ के आई हूँ। अच्छा मैं 6 माह की थी, ये मैं पीछे इसकी फूफो के पास छोड़ गई, तो मुझे काफी टाइम हो गया, 3 घंटों बाद जब मैं वापस आई तो इसके दादू कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि नहीं ये पीछे इसको भी छोड़ा हुआ है, रो रो के इसका बुरा हाल। तो वाकई फिर मैंने इसे आके चुप कराया, मैंने कहा वो शिट मैं रो रही होंगी, ऐसे रो रही होंगी। मम्मा मेरी ज़्यादा बचपन की तस्वीर, बल्कि नहीं सब तो आपको दिखा दी है, और कुछ रह गई होगी तो मैं वो भी आगे वीडियो में दिखा दूंगी आपको। जैसी इसकी बचपन में शक्ल थी वैसी अब, पर मुझे ये क्यों कहते थे बचपन में हीरा प्यारी नहीं है नहीं सोनी है, मुझे सारे कहते थे हीरा नहीं सोनी, इतना समूह था मुझे, अब मुझे बचपन से लेके अब तक एक कॉम्प्लेक्स रहा था मैं नहीं प्यारी। इकरा में हीरा में ये फर्क था, हीरा इतनी सी बच्ची लगती थी, इकरा लगती थी इतना इतना बड़ा इकरा का मुंह होता था। आप वीडियो देखेगी ना वो बताएगी आपको, तो बड़ा होता था इसका, उतना इसका छोटा होता था। विक्रा के सामने आती थी तो ये लगती थी जैसे पता नहीं मरियल सी की बच्ची है, किन की है, मुझे लगा हाँ मेरी तारीफ हो रही है। वो कह रही है मम्मा इतनी छोटी सी लगती थी, यानी इकरा के सामने वैसे देखते थे तो ठीक है। अच्छा थी, हाँ। नहीं मैं ना हमेशा मुझे लगता था मैं नहीं प्यारी, फिर जब मुझमें कॉन्फिडेंस आया ना मैंने कहा यार यही मुंह है, यही बॉडी है, यही नाक है, यही आंखें हैं, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती, ना मुझे करना है, इसी में मुझे कॉन्फिडेंट रहना है, इसी में मैंने प्यारी लगना है, इसी में ही प्यारी लगने में जो अल्लाह ने दे दिया। जब से हीरा ने सोचा तो प्यारी हो गई। नहीं मामा मैंने बचपन की तस्वीर देखी, मैं बचपन से प्यारी थी। बचपन में तो इतना गुड्डा लग रही हूँ मैं। ये प्यारी पता है क्यों नहीं लगती थी, इसकी मैं हर वक्त टिंड करा के रखती थी, इसलिए तो बाल लंबे हैं अब, वरना बाल इतने इतने टिंड करा के रखती थी। अब टिंड का मुझे एक वाक्या याद आया, पता नहीं अम्मियों को क्या होता है बच्चों की टिंड करा देनी है। मैं 3 क्लास में पढ़ती थी और मैं वो मैंने क्या लिया होता था, स्कार्फ लिया होता था, यूं पकड़ के मेरी अम्मा ने टिंड कराई है, मेरा मेरी ना कोई वो शॉल ना खींचे, और मैं ऐसे पकड़ के घूमती थी, वो कहती थी इसको क्या हुआ, मेरे कुछ नहीं, किसी बच्ची ने खींच दिया मेरी टिंड, सबने मेरा इतना मजाक उड़ाया, सर बड़ा होता था और मैं घर आके रोती होती, इतना सर निकल आता नीचे, मुंह छोटा सा होता, और मैं घर आके रोती होती थी मम्मा मैंने नहीं टिंड करानी, हर चौथे दिन हमारी टिंड हो रही होती थी, टिंडों की वजह से इतने प्यार, जबकि मुझे लगता है कि बच्चों की टिंड कराना एक क्राइम है। मुझे किसी ने कहा था कि टिंड कराने से बाल अच्छे, बच्चों की टिंड कराना क्राइम है, जो बच्चों पे गुजरती है वो पेरेंट्स को नहीं पता होती ना कितना बुरा लगता है आपके बाल, मुझे पता था वक्ती तौर पर बच्चे बुरे लगते हैं लेकिन बड़े हो गए वही फिर उनका ही फायदा होता है। मम्मा ऐसी बात भी नहीं है, अब राजना की कोई टिंडे हुई हैं जो इतने अच्छे बाल है उसके, आपने कुछ मेरी मैंने सब की इकरा की बड़ी हुई है, इकरा की तस्वीरें देखना तो मेरी तो सारी पिक्चर्स ही टिंड में है, मेरी जितनी भी पड़ी हुई। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, आपने मेरा सर यहाँ से चौड़ा क्यों बनाया था, वैसे लगता था जैसे तरबूज रखा हुआ। वो एक ना इनकी दादू होती थी यानी फूफो होती थी इनके, अच्छा पापा मेरे दादा अबू की बहन, हम उन्हें फूफो बोलते थे, तो वो कहती है नहीं तू टिंडा ना कराया कर, लोगों ने कहना है टिंडा वाले घर जाना है। सारी तीनों बहनों की एक दफा मैंने इकट्ठी करवा दी, फातिमा मैं चाबी के नीचे छुप जाती थी, मैंने नहीं टिंड करानी, और मामा हमारी टिंड कराती थी, बेसिकली ना मेरी नानों को शौक था हमारी टिंडे कराने का, तो जब भी वहां जाती थी हमारी टिंड होके आती थी, तो हमारी फूफो इतना डांटती थी कि क्यों कराई है टिंड, तो हम उनके सपोर्ट में होते थे कि मामा नहीं गलत करती हैं, वो फूफो कहती थी नहीं कुड़ियां दे मुंह बगाड़ के ले आई। अच्छा कहती थी, इतना गुस्सा आता था मुझे टिंड करा के ले आती थी, मैंने तो अपने बच्चों की बिल्कुल टिंड नहीं करानी। हाँ ना जो बात है सो बात है, जो हम पे गुजरी है वो देख लेंगे, जब अम्मियाँ बनते हैं ना फिर पता चलता है। सही है चले अब वीडियो खत्म करने का टाइम हो गया। ओके बाय। फिर वही बात मैं आपको एंटरटेन कर रही हूँ,
मेरे साथ तो गुजरी हुई हमारी सारी बहनों हम लोग करते थे लेकिन मेरे बच्चे टिंड कराके प्यारे लगते थे अपने प्यार देते रहना ताकि मैं इसी तरह की एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास लाती रहूँ और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव मेरे मम्मी को बच्चों के उस एज में बाल होते मम्मा पोनी करके रखती है और मेरे बालों में टिंड पिन भी नहीं लगा सकते तो अब लगाओ ना देखो कितने हेल्दी बाल अब मेरी बाल है बाल खोलने की एज है बाल मारने की आपको टिंड थोड़ी करवानी वो बचपन में होता है बचपन में टिंड होना जैसे मम्मा एक बात बताऊँ अगर आपका अब भी बस चलता ना तो आप मेरी जी नहीं, बहुत बुरा लगता सबको पता है बचपन में ही टिंड कराई जाती है पता क्या करा दी एक नंबर वाला उस्तरा फिरवाती थी उसको पता नहीं उस्तरा कहते पता नहीं क्या एक नंबर मुझे याद है एक नंबर मशीन फेरनी वो इतने इतने बाल रह जाते थे इतने इतने गंदे लगते थे कि बस वो मुझे इसीलिए अभी तक बस कर बड़ी टिंड की तारीफ होगी ओके बाय बाय।